एक मिनट, कौन सा वाला है ये? ये ठीक है मेरा ख्याल है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो दोस्तों आज मैं दोबारा से अपनी मुर्गियों की तरफ आया हूँ। मुझे इंतजार था कि कब सुबह हो, कब मैं मासी से पढ़ के आऊँ, कब देखो कि कंफर्म करूँ कि कौन सी हमारी मुर्गी भाई अंडा देती है। तो आज मैंने आपके सामने अंडा देखना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो रहने देते हैं। दो अंडे होने चाहिए। हमें पता है ये जो हमारी ये वाली बड़ी वाली मुर्गी है, ये तो इसने तो अंडा दिया है, पक्का दिया हुआ, हमें पता है इसका। कल भी इसने दिया था और ये आज भी देती है, ये लगातार देती रहती है, ये नागे नहीं करती। तो अब हम दूसरी मुर्गी का भी देखेंगे, शायद उसने भी दिया हो आज, और पता भी चल जाए कि कौन सी नई मुर्गी का है और कौन सी पुरानी वाली मुर्गी का है। और आज आपको मैं कन्फर्म बता दूंगा कौन सी हमारी मुर्गी अंडा देती है। मैंने देखा है, मैंने उसको बैठा हुआ देखा है। तो अभी पहले हम उस वाली टोकरे में चलते हैं क्योंकि उसमें नहीं होते। यार एक अंडा है, हाँ तो है नहीं यार, मैं आज आपको दिखाना चाहता, शायद इसमें हो। ओहो भाई ये है नई मुर्गी का। यार कसम से मैं वैसे ही आया था दूसरी टोकरी में, मुझे नहीं पता था इसमें भी देती है। पहली दफा इसमें अंडा मिला है हमें, पहली दफा अंडा मिला हमारी उस वाली टोकरी में। हमें उस वाली टोकरी में मिलते हैं वो जो वो कोने में लगी हुई है, लेकिन आज इसमें मिला है। यार मैंने अब आपके सामने ही देखा है, ये देखें, ये छोटा अंडा है और ये वाला बड़ा अंडा है। ये हमारी नई वाली मुर्गी का है, ये हमारी दूसरी स्कर्म वाली मुर्गी का है। ये बस खाने में इसका ध्यान है और कोई काम की नहीं है। यार आपको एक और बात बता दूं, हम आज आए थे मुर्गा लेने। मुर्गा क्यों लेने आए थे? उसको आज ज़िबा करना है हमने, क्योंकि आज बड़े दिन हो गए हमने गोश्त नहीं खाया, तो मेहमान भी आए, हमने सोचा उनको देसी मुर्गा खिलाते हैं आज। इनमें से पता नहीं अब किसकी बारी आ जाए, ये तो पता नहीं है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब हमने हमारी ऐसी वाली मुर्गी ज़िबा की थी तो मैं उस टाइम बड़ा अपसेट था, लेकिन यार मैं क्यों था, क्योंकि यार मैंने बहुत शौक से वो मुर्गी ली थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मैं एक मुर्गा लेके आया था और एक मुर्गी लेके आया था, तो मुर्गा हमने वापस कर दिया और मुर्गी हमारी रह गई थी। यार मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो मुर्गी, इसलिए मैं ज़्यादा अपसेट था। अब मुझे मुर्गों का कोई अफसोस नहीं है, भाई ने पीछे से कर दिया था, मुझे बस इसका वो अफसोस था कि मेरे आगे क्यों नहीं किया। अभी मेरे आगे हो रहे हैं, मुझे इनका कोई अफसोस नहीं है। यार मैं इन अंडों को रख दूँ वरना ये टूट जाने हैं। ये बॉक्स कल का खुला हुआ है, बंद हो जाओ भाई, बंद हो जाओ। यार मोहम्मद मुर्गा पकड़ ले यार, काफी टाइम हो गया, फिर ज़िबा भी करना है। क्या हाँ, क्या पकड़ता हूँ मैं अभी। हाँ। भाई कौन सा वाला पकड़े? यार मैं कह रहा था कि पहले तो मेरे ये था कि हम इसको कर लेते हैं ज़िबा, है ना, लेकिन ये अब बड़ा हो गया है, मुर्गियाँ ज्यादा है माशाल्लाह से, अंडे भी देने शुरू हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इनमें से जो रेड वाले सात वाली जो है ना पलटून, सात वालों की जो गैंग है, इनमें से एक तो पहले किया था, थोड़ा सा बीमार हुआ था, अब इनमें से जो देख लो जो। चलो मुझे बताया ना कौन सा करना है। चलो देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यार ना ये वाला मुझे तो, या तो इन रेड वालों में से कोई देख लो, ये वाला सही नहीं है वो, सबसे जो जिसमें ज्यादा गोश्त लग रहा हो वो कौन सा है? ये इन दोनों में से कर लेते हैं। और यहाँ पे ये फिर ये छोटा है अभी। अच्छा ये छोटा है, तो इनमें से रेड वालों में से दो में से कोई पकड़ लें। हाँ इनमें से पकड़ लेते हैं, या ये वाला पकड़ लें या वो वाला पकड़ लें। तो हनी कौन सा कह रहा था जो रखना है चीने वाला, वो कौन सा? ये हनी पता नहीं कौन सा कह रहा था, आपको पता है? मैं तो पकड़ लें ये वाला। ये नहीं भाई, ये प्यारा है ज्यादा। अच्छा। इसको रखना है अभी। ठीक है चले, ठीक है मुझे पकड़ो और पकड़ो वहां पे। चलो तो यार मोहम्मद ना मैं कह रहा हूँ इनमें से ना ये वाला रेड पकड़ लो, क्योंकि इसकी दुम भी बहुत खराब है, वरना ये वाला पकड़ लो। इनको दोनों को पकड़ो, अगर आ जाते हैं तो जिसमें ज्यादा वजन है वो हम ज़िबा कर लेते हैं। चलो इनको अंदर करो आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ से नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ अंदर करो ना फार्म के अंदर, यहाँ से नहीं पकड़े जाएंगे। ये कोई ब्रायलर मुर्गे थोड़े हैं, इनको हमें सारी खुराक दी है बिल्कुल। ठहरो मैं दरवाजा बंद करता हूँ और मैं व्यूअर्स को अंदर से ही दिखाता हूँ। ये पकड़ो यार, ये मुर्गे पकड़ने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि देसी मुर्गे हैं, देसी मुर्गों में फुर्ती बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको खाने में मजा आता है, क्योंकि इसमें ताकत बहुत ज्यादा है। पकड़ो यार इसे, दोनों आ गए। यार क्या यार मोहम्मद, कोई हाल नहीं है तुम्हारा। चलो उस साइड पे जाओ, ये दिखाओ मुझे। एक मिनट, कौन सा वाला है ये? ये ठीक है मेरा ख्याल है ना। तो बाकी को चलो,
ठीक है ये। अच्छा दूसरा भी पकड़ो ना, अगर उसमें ज्यादा वजन हुआ तो वो कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो यार मोहम्मद ने पकड़ लिया मुर्गा, वो तो इसके ध्यान लग गया और उसे कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो आज इसको जिबा कर लेना है बेचारे लाल मुर्गे को। तो दोस्तों हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में हमें पूछते हैं कि आप सर्दियों में क्या खिलाते हैं। यार अब तो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ माशाल्लाह से आज दो ने दोबारा से अंडा दिया, तो उसके लिए हम कल से या परसों हम इंशाल्लाह एक वीडियो पूरी बनाते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें जो दिखाएँ, क्योंकि वो सस्ती भी हैं और हर घर की ज़रूरत भी हैं, हर घर में मिल भी जाती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें एक वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह मुर्गियाँ और माशाल्लाह से अंडे देती हैं। यार मोहम्मद इस तरह ज़्यादा परेशान हो जाएगा बेचारा, तो इसके लिए हम आपको वीडियो बनाते हैं। हमारी मुर्गियाँ अंडा देने शुरू हो गई हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और यार मोहम्मद देखो वो कल पानी का बर्तन भूल गए, अभी तक नहीं ना लेके आए, कहीं पे भी नहीं रख, उसे अभी वो मोटर चला के ताज़ा पानी इनके लिए रखो क्योंकि पिए वो कल का पानी। हाँ चलो ठीक है, जैसे लाइट आती है ना तो इनके लिए भर के रख के जाओ। तो दोस्तों जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो दोस्त पुराने हैं वो तो लाइट लाजमी बात है लाइक करें। इसकी गुड भाई तो करवा दें बेचारे की। हाँ जी, तो दोस्तों ये बेचारा अब जा रहा है तो इसे लास्ट टाइम देख लें, वैसे तो ज़िबा होने ही जा रहा है तो हलाल मौत है। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलो यार मोहम्मद इसे वो पानी भी लेके आना है, मोटर शायद चल जाए तो जब लाइट आती है। ठीक है, इसे लेके चलो, छुरी तेज करो।